Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning in Himal. So this video is for class 10 students and this is your part 1 video of the chapter A Letter to God. So this is a story about a farmer whose crops get destroyed during a hailstorm and the crops are the only source of income for the family. But this farmer, he has so much faith in God कि उसको हमेशा ये लगता है कि हाँ अगर उसकी crops सारी destroy हो गई हैं there is a God जो उसकी help करेंगे. So as the name of the chapter suggests, he will write a letter to the God. वो God को एक letter लिखता है to help him. ठीक है, so this is about this chapter जो हम पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए अब हम line to line explanation इस chapter की start करते हैं. A letter to God. तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं रीड करना. तो जो आपका मेन चैप्टर वो आपका नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता है यहां से, तो हम यहीं से पढ़ेंगे. The house, only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. Crest is top of a hill. So एक घर के बारे में बता रहे हैं कि there was a house and it was only a single house on the top of a very low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस हाइट पे जहाँ पे वो घर था, वहाँ से हम क्या देख सकते थे? We could see the river. वहाँ से एक river दिखती थी और एक corn की field दिखती थी. मतलब जो corn की जो खेत होता था, वो दिखता था और वहाँ पे हमेशा अच्छे flowers उगे होते थे और उसके साथ साथ it always provided a good harvest. हमें उस field से हमेशा एक अच्छी harvest मिलती थी. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो एक ही चीज उस फील्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी रेन. बिकॉज रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स एंड द क्रॉप्स. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स, इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. लेंचो वॉज द पर्सन हु वॉज द ओनर ऑफ दैट फील्ड, दैट कॉर्न फील्ड, और उसने अपना सारा काम जो है वो कंप्लीट कर लिया था. अब जो उनके जो फील्ड्स थी उनको एक ही चीज चाहिए थी, दैट वॉज रेनफॉल. सो ही स्टार्टेड वेटिंग फॉर रेनफॉल. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर, वुमन. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, येस गॉड विलिंगली. तो लेंचो ने एक वुमन को बोला जो सपर बना रही थी, ठीक है, जो सपर इज लाइक अ मील, वो मील बना रही थी, कि इस बार हमें एक अच्छा रेनफॉल मिलेगा. और वुमन ने बोला कि गॉड विलिंगली, हाँ अगर भगवान की मर्जी हो तो अच्छी बारिश इस बार जरूर होगी. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर. सो जो ओल्डर थे, जो बड़े लड़के थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड एंड द स्मॉल वंस वर प्लेइंग अराउंड द हाउस. और जब जो था डिनर बन गया, तो वुमेन ने आवाज लगाई सबको कि कम फॉर द डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. तो जैसे लेंचो ने प्रिडिक्शन की थी वैसा ही हुआ. जब वो डिनर करने लगे तो बाहर देखा कि बहुत ही अच्छे से बारिश होने लगी और नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन से देखा, जो क्राउड्स थे वो इस तरफ क्या कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइन्स. सो लेंचो द फार्मर ही वॉज सो हैप्पी कि वो बाहर चला गया एंड ही स्टार्टेड स्टैंडिंग इन द रेन. ही वॉन्टेड टू फील द रेन वॉटर ऑन हिज बॉडी बिकॉज ही वॉज सो हैप्पी. और उस द मैन सेड कि इसे बारिश ही नहीं है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देयर फैमिली, दीज आर द कॉइन्स. मतलब जब अच्छी बारिश होगी, अच्छी फसल उगेगी, तो उनकी फैमिली को क्या आएगा, उसी से पैसा आएगा. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5. So he started speaking कि जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो उतने अच्छे हमें पैसे मिलेंगे और अगर कम बारिश होगी तो हमें कम पैसे मिलेंगे. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो
जो फील्ड थी उस पर बहुत अच्छे से बारिश हो रही थी, फील्ड्स में बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। बट सडनली क्या होने लगा, सडनली जो है मौसम वो खराब होने लगा। पहले तो अच्छे से बारिश हो रही थी, बट अब बहुत तेजी से जो विंड है वो ब्लो करने लगी, बहुत तेजी से विंड ब्लो करने लगी, और उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे, जो आपके ओले होते हैं वो गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो छोटे छोटे जो बॉयज थे उनकी फैमिली में, वो बाहर जाके वो जो ओले हैं उसको कलेक्ट करने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। अब द मैन सेड कि काश ये जो हेल स्टॉर्म हो रही है जल्दी से बंद हो जाए, बट वो बंद नहीं हुई। उनका हाउस, उनकी फील्ड पूरी हेल स्टॉर्म से भर गई, और द फील्ड वॉज इतना ज़्यादा हेल स्टॉर्म हो, इतने ज़्यादा ओले गिरे कि इतनी ज़्यादा वाइट जो थी फील्ड हो गई थी, कि ऐसा लग रहा था एज इफ इट इज़ कवर्ड विद सॉल्ट, कि जैसे नमक से कवर हो वो सारी। Not a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. अब क्या हुआ, मतलब पूरे जो पेड़ थे वहां पे उन सब के पत्ते पूरी तरह झड़ गए, ठीक है, और उसके साथ साथ जो कॉर्न थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए। एंड द लेंचो ही वॉज वेरी वेरी सैड, वो बहुत सैड हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts have left more than this." ठीक है, अब प्लेग ऑफ लोकस मीन्स प्लेग इज अ डिजीजेज विच इज फॉर्म बाय द इंसेक्ट्स। तो लोकस वो इंसेक्ट होते हैं जो जनरली बहुत ही ज्यादा लार्ज ग्रुप्स में उड़ते हैं और फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो कह रहा है कि इतनी तो डिस्ट्रक्शन उन इंसेक्ट से ही नहीं होती है, जितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन, इतनी ज्यादा तबाही इस हेल स्टॉर्म से हुई है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। तो वो कह रहा है कि इस बार हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। एंड ही वॉज सो सैड कि उन्होंने जितनी मेहनत की, उन्होंने जितना ज्यादा काम किया, उसका जो रिजल्ट है वो कुछ भी नहीं आया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कि अब हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता और हमें पूरे साल अब भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट वो जो पूरी फैमिली थी उनके अंदर अभी भी एक होप थी, दैट वॉज सीकिंग हेल्प फ्रॉम गॉड। वो गॉड में बहुत ज्यादा मानते थे और उनको लगा कि अब भगवान ही उनको सिर्फ बचा सकते हैं। डोंट बी सो स्टूपिड, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वॉट दिस से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सो द मैन सेड कि हमेशा ऐसा बोला जाता है कि कोई भूख से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और हमें इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस। मतलब उसको एंड में एक ही होप लगी कि अब गॉड ही उनको हेल्प कर सकती है और गॉड ही उनकी सिचुएशन को समझ सकते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, कि वो एक जानवर की तरह, मतलब इतना मेहनत करता था फील्ड में, और वो पूरा अभी अनएजुकेटेड नहीं था, उसको लिखना पढ़ना आता था। टू फॉलो द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड अ प्लेस इन द मेल, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। तो उस दिन उसने क्या किया, द फॉलोइंग संडे ही स्टार्टेड राइटिंग, और उसने क्या किया, उसने गॉड को एक लेटर लिखा, ही रोट अ लेटर टू द गॉड, और वो खुद गया वहां पे और उसने उस लेटर को पोस्ट किया। कहां पे जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट किया। गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई नीड 100 पीसोज, ये पीसोज इज अ करेंसी इन लैटिन अमेरिका, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म।
नाउ ही रोट अ लेटर, उन्होंने लिखा कि गॉड मुझे 100 पीसोस चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे अब जो मेरी फील्ड पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, अब मुझे नेक्स्ट फील्ड में जो है सो करनी है, मेरे को फिर नई फील्ड की तैयारी करनी है, सो गॉड प्लीज हेल्प मी, और मुझे इतना अमाउंट जो 100 पीसोस है वो आप प्लीज मुझे प्रोवाइड करिए। तो यहां तक हमने पढ़ लिया है और हम इसके आगे हम पार्ट 2 वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मुझे डाउट्स मैसेजेस भी भेज सकते हैं थ्रू माई इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी एंड माई ईमेल आईडी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।